ये कहानी है 15 साल के एक लड़के की, जिसे एक 35 साल की औरत से प्यार हो जाता है। अब आगे इन दोनों के साथ क्या क्या होता है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, उस मूवी का नाम है द राइडर, जो 2008 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम माइकल नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो लास्ट नाइट एक औरत के साथ था। माइकल का डिवोर्स हो चुका था और वो एक अच्छा लॉयर भी था। माइकल की एक बेटी भी थी जिसका नाम जूलियट था। जब वो औरत वहाँ से चली जाती है, तब माइकल विंडो पे आके एक ट्रेन को देखने लगता है और इसी के साथ मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां पर हम माइकल को देखते हैं जो कि 15 साल का था। माइकल जब स्कूल से घर आ रहा था, तब अचानक ही उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो उल्टियां करने लगता है। तभी वहां एना नाम की एक औरत आती है और वो माइकल की हेल्प करती है। जब माइकल रोने लगता है, तब एना उसे गले लगाती है और उसे संभालती है। इसके बाद वो माइकल को उसके घर तक पहुँचा देती है। एना एक कंडक्टर थी। यहाँ डॉक्टर माइकल से कहता है कि उसे स्कारलेट फीवर है, इस वजह से उसे अगले 3 महीने तक घर पर ही रुकना पड़ेगा। 3 महीने बाद जब माइकल ठीक हो जाता है, तब वो अपनी मॉम से उस औरत के बारे में बात करने लगता है जिसने उसकी मदद की थी। अगले दिन माइकल एना के घर फूल लेकर जाता है। यहाँ पर एना उसका हालचाल पूछती है। उसे अपने काम के लिए देर हो रही थी, इसलिए वो माइकल को बाहर रुकने को कहती है। वो उसे कहती है कि बाकी की बातें हम रास्ते में करेंगे। जब एना कपड़े बदल रही थी, तब माइकल उसे चुपके से देखने लगता है, पर एना को इसके बारे में पता चल जाता है, तो माइकल वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन फिर से वो एना से मिलने आता है, तो एना उसे नीचे से कोयला लाने को कहती है। जब वो वापस आता है, तो उसके कपड़े बहुत गंदे हो चुके थे। एना उसे उसके कपड़े उतारने को बोलती है। यहाँ वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और किस करने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों गपागप करते हैं। अब यहाँ से इन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाता है। माइकल हर रोज एना से मिलने जाता था और वो दोनों साथ में गपागप करते थे। माइकल स्कूल के बाद घर पर नहीं जाता था और एना से मिलने चला जाता था। दोनों काफी टाइम साथ में गुजारते हैं। बहुत दिनों के बाद वो दोनों एक दूसरे का नाम पूछते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि एना 35 साल की है और माइकल सिर्फ 15 साल का। अब से माइकल एना को बुक पढ़ के सुनाया करता था। इसके बाद वो दोनों गपागप करते थे। एक बार माइकल उसी बस में चढ़ता है जिसमें एना काम कर रही थी। वो एना से बात करने की कोशिश करता है, पर एना उसे इग्नोर कर देती है। घर आकर माइकल उस पे बहुत गुस्सा करता है। वो कहता है कि तुमने मुझे इग्नोर किया। तब एना कहती है कि मैं समाज के सामने तुम्हें अपना नहीं सकती, मेरी भी कुछ मजबूरियां है। माइकल उससे नाराज भी होता है, पर फिर वो वापस भी आ जाता है क्योंकि वो एना से बहुत प्यार करता था। यहाँ पे वापस से वो दोनों गपागप करते हैं। एक बार वो दोनों साइकिल ट्रिप पर जाते हैं, वहाँ वो दोनों काफी खुश थे। एना भी माइकल को बहुत पसंद करती थी। लंच करते टाइम एना मेन्यू कार्ड को देखकर कहती है कि मैं भी वही खाऊंगी जो माइकल खाएगा। दरअसल एना अनपढ़ थी, उसे पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता था। ये बात उसने माइकल को भी नहीं बताई थी। माइकल उसके लिए एक पोयम लिखता है, पर वो उसे कभी सुना नहीं पाया। उन दिनों माइकल को स्कूल में एक लड़की मिलती है जिसका नाम सोफिया था। वो माइकल को बहुत पसंद करती थी, पर माइकल उसे इग्नोर करता है क्योंकि वो बस एना से ही प्यार करता था। अब एना का प्रमोशन हो जाता है, उसे ऑफिस का जॉब मिलता है। माइकल का जब बर्थडे आता है, तब वो अपने दोस्तों को छोड़कर एना के पास जाता है। एना उस पर बहुत गुस्सा करती है। वो कहती है कि मेरे वजह से तुम अपने दोस्तों को मत छोड़ो, पर यहाँ पे माइकल उसे मना लेता है और आखिरी बार वो दोनों गपागप करते हैं। अगले दिन एना माइकल को बिना बताए घर छोड़कर चली जाती है। माइकल जब एना के घर आता है, तब एना वहाँ पर नहीं होती। माइकल का दिल अब टूट जाता है। इन दिनों वो बहुत उदास रहने लगता है और अपना वक्त अकेले ही बिताया करता है। ऐसे ही 8 साल बीत जाते हैं। माइकल अब 23 साल का हो चुका था। वो अब लॉ स्कूल में पढ़ता है। एक बार सारे स्टूडेंट्स को केस ट्रायल देखने के लिए ले जाया जाता है। ये केस दरअसल नाजी लोगों के द्वारा 300 महिलाओं के मर जाने का है। इन 10 नेजी लेडियों पर आरोप होता है कि उन्होंने 300 औरत को एक जलते हुए चर्च में मरने के लिए छोड़ दिया। अगर वो चाहती तो वो उन्हें बचा सकती। इनमें से एक नाम एना का भी होता है। माइकल जब ये सुनता है, तो उसे यकीन ही नहीं होता। जिसके साथ उसने अपने खूबसूरत पल बिताए, वो औरत ऐसा भी कर सकती है, ये उसने सोचा भी नहीं था। पर माइकल ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि एना ऐसा भी कर सकती है, कि एना किसी को मार सकती है, बल्कि उसने तो उसकी मदद की थी जब वो बीमार था। एलिना नाम की एक औरत उन 300 जूस में से बच गई थी और इस पे उसने बुक लिखी थी, इसीलिए वो सब हो रहा था। उस टाइम जूस को बहुत मारा जाता था। एना पर आरोप था कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। एना बेगुनाह साबित होने का बहुत कोशिश करती है, पर उसकी कोशिश बेकार जाती है क्योंकि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। माइकल को भी ये बात अब पता चलती है कि क्यों एना उसे हमेशा बुक पढ़ने को कहती थी। कोर्ट में एना को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। माइकल अपने प्रोफेसर से कहता है कि एना बेगुनाह है, पर प्रोफेसर कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, एना ने खुद अपना गुनाह कबूल किया है। इस तरह वो अपने पहले प्यार को जेल जाता हुआ देखता है। उसे बहुत दुख तो हो रहा था, पर वो कर भी क्या सकता था। कुछ दिनों बाद उसे एना से मिलने की परमिशन मिल जाती है, पर वो उसे मिले बिना ही वापस चला जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एना के साथ वो करना चाहता था जो एना ने उसके साथ किया है। अब माइकल अपने लाइफ में बिजी हो जाता है। वो शादी कर लेता है। उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम जूलियट था, पर
वो अपनी वाइफ के साथ कभी खुश नहीं रह पाया क्योंकि वो हमेशा से ही एना से प्यार करता था। एक दिन उसे वही पुराने बुक्स मिलते हैं जो वो एना को पढ़ के सुनाया करता था। वो उन बुक्स को पढ़कर रिकॉर्ड करता है और जेल में एना को भेज देता है। एना अब धीरे धीरे पढ़ना लिखना सीखने लगती है। कुछ दिनों बाद वो माइकल को लेटर लिखना स्टार्ट करती है और जवाब पाने की उम्मीद करती है, पर माइकल ने उसे वापस कभी जवाब नहीं दिया। ऐसे ही 20 साल बीत जाते हैं। एना अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से उसे जेल से छोड़ दिया जाता है। एना की कोई फैमिली और फ्रेंड ना होने की वजह से जेल के स्टाफ माइकल को कॉल करते हैं। माइकल एना के लिए घर और जॉब ढूंढ देता है। एना के छूटने के बाद वो एना से मिलने जाता है। यहाँ पे वो एना से थोड़ी दूरी बनाकर रखता है। एना उसका हाथ छूने की कोशिश करती है पर माइकल अपना हाथ दूर कर लेता है। माइकल एना से कहता है कि मैंने सारा इंतजाम कर दिया है और अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे बता सकती हो। एना इसके लिए उसे थैंक्स बोलती है और उसे कहती है कि क्या तुमने शादी की। माइकल कहता है कि हाँ, मेरी एक बेटी है पर हमारा डिवोर्स हो चुका है। इसके बाद एना माइकल की आंखों में ऐसा भाव देखना चाहती थी जिससे वो माइकल को अपना सके, पर माइकल वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो एना से मिलने जाता है पर यहाँ उसे पता चलता है कि एना ने सुसाइड कर लिया है। मरने से पहले एना माइकल के लिए एक लेटर छोड़ जाती है कि मैंने तुम्हारे वजह से पढ़ना लिखना सीखा और इस तरह से मैंने एलिना ने लिखी किताब को पढ़ी जिसमें उन्होंने लिखा था कि कैसे जूस पे अत्याचार किए जाते थे। वो कुछ पैसे छोड़ जाती है ताकि माइकल वो पैसे एलिना को दे सके। माइकल ये कहानी अपनी बेटी को सुनाता है ताकि उसका दिल थोड़ा हल्का हो सके और वो दोनों एना की कब्र पे जाते हैं और यहाँ पे ये मूवी एंड हो जाती है। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।